आप मेरे इस सवाल का जवाब दो और जवाब से आप जान जाओगे कि कितने फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो आप। लेट से आपने तीन गोल बनाए। पहला गोल बनाया गाड़ी का, जिसमें आप 5 लाख रुपए जोड़ना चाहते हो। दूसरा गोल आपने बनाया अपॉर्चुनिटीज़ का, जिसमें आप 3 लाख रुपए जोड़ना चाहते हो। और तीसरा गोल बनाया आपने इमरजेंसीज़ का, जिसमें आप 2 लाख रुपए जोड़ना चाहते हो। अब 2-3 साल की मेहनत के बाद स्टेटस कुछ ऐसा है। गाड़ी वाले गोल में आपने बचा लिए 3 लाख रुपए, अपॉर्चुनिटीज़ वाले गोल में आपने सेव कर लिए 1 लाख रुपए, और इमरजेंसीज़ में आपने सेव कर लिए पूरे 2 लाख रुपए, जितना सोचा था उतना। अब आपका कहने को तो गाड़ी का गोल फुलफिल नहीं हुआ है, उसमें अभी भी 2 लाख रुपए की कमी है। बट आपका बैंक बैलेंस अब आपको चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, भाई मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तेरी गाड़ी भी 5 लाख की आती है। अब आप क्या करोगे? अगर आपने भावनाओं में बहकर सारे पैसे निकाल लिए और गाड़ी खरीद ली और उसके कुछ महीनों बाद आपकी जॉब चली गई, तो आपका इमरजेंसी फंड खाली हो चुका है। या फिर कुछ महीनों बाद स्टॉक मार्केट क्रैश आ गया, तो आप उसका भी एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे जो आपने पहले सोचा था। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, रूल्स विल नॉट फेल यू, योर ओन इमोशंस हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय यू।